हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरटीपी इम्प्लॉय कॉस्ट का, लेबर कॉस्टिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस, प्लीज रीड दिस क्वेश्चंस। ये आरटीपी है, यह आरटीपी है नवंबर, सॉरी मई 2018 का आरटीपी है, सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग का। चलिए प्लीज क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। ज्योति लिमिटेड वांट टू एसर्टेन द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर टर्नओवर। फॉर दिस पर्पस इट हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूटमेंट इज 50,000 आवर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60%। Experienced worker, time required by the experienced worker is 10 hours per unit. It means what? ये जो 50,000 units उसने production करना था new recruitment, उसमें 60% जो production हुआ वो आपको experienced person के द्वारा जो production होता था उसके equivalent है, ठीक है। और एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 10 आवर्स। अब 50,000 आवर्स उसने काम किया ट्रेनिंग पीरियड में, तो सबसे पहले हमें क्या इसमें निकालना पड़ेगा कि 50,000 आवर्स जो ट्रेनिंग पीरियड में काम हुआ उसमें कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा और कितना यूनिट्स उसने एक्सपीरियंस पर्सन प्रोडक्शन करता, ठीक है। 25% of output during the training period was defective. 20% of output during training period was defective. Cost of rectifying the defective is the 25%, rupees 25. Potential productive hours lost due to delay in recruitment 1,00,000 hours. उन्होंने labor turnover में इतना time आपको बर्बाद हो गया जो production हो सकता था लेकिन नहीं production कर पाए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹80, पीवी रेशियो 20%, एंड कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ऑफ द वर्कर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन वाज 1,83,480। रिक्रूटमेंट कॉस्ट दिस, ट्रेनिंग कॉस्ट दिस। ये लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि लेबर टर्नओवर के कारण कितनी टोटल लॉस हुआ आपको बताना है। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस ऑफ द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर टर्नओवर। तो इसमें दो टाइप की लॉसेज होती है, एक तो सेटलमेंट कॉस्ट होता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट होता है, ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, एक तो प्रोडक्शन लॉस्ट भी होता है। अब प्रोडक्शन लॉस क्या होता है? जो आप प्रोडक्ट पुराना वर्कर होता तो कर सकते थे, नहीं कर पाए, वो सारी का वो प्रोडक्शन पोटेंशियल आवर्स कितनी लॉस हो गई? वो 1,00,000 आवर्स लॉस हो गया। और ये जो ट्रेनिंग पीरियड में प्रोडक्शन हुआ उसमें भी लॉस हुआ, तो टोटल हम आपको लॉस कितना आउटपुट में निकालेंगे और उसके कारण क्या लॉस हुआ वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन लॉस। प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ? आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1,00,000 आवर्स। आउटपुट पर आवर, आउटपुट इन 10 आवर्स, आउटपुट इन 10 आवर्स 1 यूनिट। तो आउटपुट इन 1,00,000 आवर्स, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स का तो ऐसे लॉस हो गया। अब आपका
वर्किंग नोट सेकंड में निकालेंगे जो ट्रेनिंग पीरियड में लॉस हो उसका, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ लॉस्ट ऑफ आवर्स ड्यू टू ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड आवर्स पीरियड आवर्स 50,000, आवर्स प्रोडक्शन इन ट्रेनिंग पीरियड 50,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इन ट्रेनिंग पीरियड आवर्स 50,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इक्वल टू 5,000 यूनिट्स। यूनिट प्रोड्यूस्ड इक्विवेलेंट टू एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस वर्कर एक्सपीरियंस्ड वर्कर, उन्होंने कहा 60% वर्कर जितना प्रोडक्शन हो करता एक्सपीरियंस्ड वर्कर उतना प्रोडक्शन हुआ। 60% ऑफ 5,000 दैट इक्वल टू 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स। लॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू अनएक्सपीरियंस वर्कर, अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर कितने की लॉस हो गई? आपको 5,000 प्रोडक्शन कर सकते थे, 3,000 ही प्रोडक्शन हुआ, 2,000 यूनिट इसमें लॉस हो गए, 2,000 यूनिट। तो पोटेंशियल टाइम लॉस हुआ 1,00,000, उसमें आपको ये 10,000 यूनिट्स का लॉस हो गया, और नए वर्कर आए उसको ट्रेनिंग देना पड़ा, ट्रेनिंग देने के पास आपको 2,000 यूनिट की लॉस हो गई। टोटल लॉस इन प्रोडक्शन, टोटल लॉस इन प्रोडक्शन आपको 10,000 यूनिट्स प्लस 2,000 यूनिट्स, 10,000 एंड 12,000 यूनिट्स की लॉस हो गई ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इतना। अब एक और क्वेश्चन पूछी गई है, बताई गई है, जो एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग पीरियड में प्रोडक्शन हुआ उसमें 20% जो आउटपुट था वो डिफेक्टिव हुआ, अब उसको फिर से बनवाना पड़ा, अब बनवाने के लिए 25 रुपीज पर यूनिट खर्च हो गया। यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिएगा, उन्होंने कहा 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव एंड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन डिफेक्टिव इज 25। तो वर्किंग नोट में लिखाना पड़ेगा यहां पे कैलकुलेशन ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट ड्यूरिंग ड्यू टू एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन आउटपुट एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड 20% ऑफ 3,000 जो प्रोडक्शन हुआ था उसमें डिफेक्टिव था 600 यूनिट्स।
कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, डिफेक्टिव यूनिट्स 600 को रुपीज 25 पर यूनिट से आपको डिफेक्टिव यूनिट्स की रेक्टिफिकेशन था, दैट इज रुपीज 15,000। अब आपको क्या निकालनी है, टोटल लॉस ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर, वो फाइंड आउट करनी है, टोटल लॉस ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। अब आप देखिए यहां पे, देखिए टोटल लॉस, एक तो आपका आउटपुट की लॉस हो गई 12,000, और एक तो आपको सेटलमेंट कॉस्ट का लॉस हो गया, रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो गया, ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस्ट ऑफ द कंपनी। चलिए हम निकालते हैं प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर लेबर टर्नओवर, प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, एक क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी, रुपीज 180, कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पीवी रेशियो आपका 20% है, सेलिंग प्राइस 180 है, रुपीज 36 ये हो गया। अब आप यहां पे देखिए लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 36 इंटू 12,000 हमारे पास यूनिट की लॉस हुई थी, 4,32,000 ये हो गया। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव 15,000 ये हो गया। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट $156,340, ट्रेनिंग कॉस्ट $113,180, सेटलमेंट कॉस्ट, कॉस्ट of worker and living $183,480, settlement cost, profit foregone, foregone in 201718 रुपीज 9,00,000 टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन, ठीक है बेटा। इस तरह आपकी सारी ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू क्लास।